इसको काउंट करके दिखाऊं फ्रेंड, तो देखिए एक एक 1 2 3 4 5 एंड 6 सिक्स बेबी प्लांट इसमें आए हुए हैं फ्रेंड, 3 इंच के सेरेमिक पॉट में। और ये एक 7वां प्लांट जो मेरा इसका मदर प्लांट है उसमें इस 6 बेबी प्लांट आए हुए हैं फ्रेंड, 3 इंच के सेरेमिक पॉट में। जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सॉइल बताया उसी सॉइल मीडिया में मेरे ये सारे प्लांट लगे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद हरीश में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं अपने सर्कुलेंट वेराइटी के एक बहुत ही प्यारे से प्लांट, जिसको हम एलोवेरा, घृत कुमारी या फिर ग्वार पाटा और भी कई नामों से जानते हैं। फ्रेंड, इस के बारे में पहली बात अगर हम इसकी सॉइल के बारे में बात करें तो इसकी सॉइल हमें वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, जिसमें पानी ज़्यादा देर होल्ड ना हो और आसानी से ड्रेन होल से ड्रेन जल्दी हो जाए, जिससे कि जो इसकी स्टेम है अगर उसमें ज़्यादा देर पानी रुकेगा तो इसकी जो पत्ते हैं वो भी गल जाते हैं और जो इसकी जड़ें हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। तो इसको आप वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। दूसरी बात फ्रेंड, अगर मैं करूं कि इसको किस तरीके की सनलाइट में रखना है, तो फ्रेंड इसको आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, इसको आपको ब्राइट राइट में रखना है, जो गर्मियों की ब्राइट राइट होती है उसमें रखना है। बाकी अगर आपके पास ग्रीन नेट है तो आप उसके नीचे आप इसको रख सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो आप इसको मई जून जुलाई अगस्त 4-5 महीने ये आपको ब्राइट लाइट में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसका जो ग्रीन आपको रंग दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन रंग ख़त्म होके एक रेड से कलर में ये हो जाता है और फ्रेंड वो ख़राब हो जाता है फिर उसकी को डायरेक्ट सनलाइट में। तो 4-5 महीने अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो ना रखें। फ्रेंड, मैं आपको ये 3 इंच के मेरे एक सेरेमिक पॉट में जो ये प्लांट रखा हुआ है मैं वो दिखाना चाहूँगा कि इसमें किस तरीके से, देखिए कितने सारे इसमें बेबी प्लांट आए हुए हैं, पब आए हुए हैं छोटे छोटे। अगर मैं आपको इसको काउंट करके दिखाऊं फ्रेंड, तो देखिए एक एक 1 2 3 4 5 एंड 6 सिक्स बेबी प्लांट इसमें आए हुए हैं फ्रेंड, 3 इंच के सेरेमिक पॉट में। और ये एक 7वां प्लांट जो मेरा इसका मदर प्लांट है उसमें इस 6 बेबी प्लांट आए हुए हैं फ्रेंड, 3 इंच के सेरेमिक पॉट में। जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सॉइल बताया उसी सॉइल मीडिया में मेरे ये सारे प्लांट लगे हुए हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड, अगर इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसकी पत्तियां इस तरीके से ख़राब भी हो जाएंगी, ये हल्की फुल्की फ्रेंड। अगर आप ज़्यादा धूप में रखेंगे तो इसकी पीली सी रेड सी हो जाती हैं इसकी पत्तियाँ, और दूसरी क्या नाम है, इसकी जो पत्तियाँ इस तरीके से पूरी नीचे तक जल जाती हैं। तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। दूसरी बात इसकी बात करें कि हमें किस तरीके की इसको फर्टिलाइज़र देना है, तो फ्रेंड जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मिट्टी बताई थी, अगर आप सॉइल में इसको लगा रहे हैं तो आपको 6 से 7 महीने तो आपको बिल्कुल सॉइल डालने की ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिएगा, जो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरीके की मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ करता हूँ। चौथी बात फ्रेंड, अगर बात करूं कि इसमें फ्लावरिंग की, तो विंटर में इसमें इस तरीके की आप देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरीके की मदर प्लांट की जब इसकी एज हो जाती है थोड़ी, तो मदर प्लांट में इस तरीके की एक स्टिक निकलती है काफ़ी, इतनी लगभग इतनी हाइट गेन करने के बाद उसमें एक स्टिक में काफ़ी सारे ऑरेंज कलर के जो मेरे यहाँ प्लांट देख रहे हैं उसमें ऑरेंज कलर की एक स्टिक में काफ़ी सारे फ्लावर आते हैं फ्रेंड। तो इसमें फ्लावरिंग भी होती है, इसकी कई सारे मेडिसिन यूज़ भी हैं, इसको आप स्किन पे यूज़ कर सकते हो, स्किन के लिए बहुत अच्छी है, इसको इसका लिक्विड भी आता है फ्रेंड, जेल भी आता है, और भी बहुत सारे इसके यूज़ हैं। तो इसको आप अपने घर में लगाइए और एंजॉय कीजिए, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। बस थोड़ी सी जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उनको आप फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।